छिंदवाड़ा मेडिकल कॉलेज सिम्स में सरकारी नौकरी दिलाने का झांसा देकर मोची रकम ठगने वाले चार नटवर लाल को कोतवाली पुलिस ने गिरफ्तार किया है। इस गैंग में कंप्यूटर ऑपरेटर, लैब टेक्नीशियन के पदों के लिए फर्जी ज्वाइनिंग लेटर भी लोगों को थमा दिए। जब वे ज्वाइनिंग के लिए मेडिकल कॉलेज पहुंचे तो पता चला कि वे ठग गए हैं। इसके बाद ठगी का शिकार लोग पुलिस के पास पहुंचे। शिकायत की जाँच के बाद पुलिस ने चार लोगों को गिरफ्तार किया है। CSP मोतीलाल कुशवाहा ने बताया कि नौकरी दिलाने का झांसा देकर कुछ लोगों ने 3 लाख रुपए लिए और लैब टेक्नीशियन का फर्जी नियुक्ति पत्र थमा दिया। थाना प्रभारी सुमेर सिंह जागीर की पूछताछ में उन्होंने अपना जुर्म कबूल लिया। चोरों के खिलाफ कई धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है। पुलिस जांच कर रही है कि बदमाशों ने और कितने लोगों के साथ ठगी की है। बाइट नहीं किया जा सकता है, प्रथम दृष्टया अभी हमारी प्रकरण पंजीबद्ध हो गया है, विवेचना जारी है। यदि ऐसा कोई तथ्य या किसी के इन्वॉल्व होने का प्रकरण संज्ञान में आता है तो उससे बख्शा नहीं जाएगा, उस पर भी हम कड़ी कार्रवाई करेंगे। इसमें एक जो आरोपी है वो जिला अस्पताल में ऑपरेटर के पद पर पदस्थ है, जिसने आदेश टाइप करने की बात स्वीकारी है, तो उस पर भी हमारी जांच चल रही है कि क्या कोई जिला अस्पताल से कोई और पक्ष शामिल है या सिर्फ यही कर रहे हैं। इस पर अभी हम पुलिस रिमांड लेकर के जांच कर रहे हैं, यदि कोई नया तथ्य सामने आता है उससे भी अवगत कराया जाएगा। छिंदवाड़ा से BCN न्यूज़ के लिए चंद्रशेखर शुक्रवार की रिपोर्ट।